हेलो फ्रेंड्स एंड एवरी स्टूडेंट, टुडे आई विल बी स्टार्ट क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 2। सो स्टार्ट नाउ। चलिए अब हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर, इस अभ्यास का और इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार आता है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और इसे अच्छी तरीके से समझें, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में गिर चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। देखो क्या बोला, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करें। मतलब 7 सेंटीमीटर को भुजा वाला तीन को त्रिभुज बनेगा इस टाइप का। ये भी 7 सेंटीमीटर, इसका ऊपर वाला भुजा भी 7 सेंटीमीटर, इसका बगल वाला भी 7 सेंटीमीटर, उसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसे सब भुजा बराबर हो। तो ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की रचना करें, उस त्रिभुज के परिवृत्त एवं अंतर्वृत्त की रचना करें। देखो इसमें बोला है ना, परिवृत्त मतलब उसके शीर्षों के, त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करते हुए जो वृत्त बनेगा वो परिवृत्त, और उसके भुजाओं के अंदर जो टच करते हुए पार होगा उसे अंतर्वृत्त कहते हैं। तो ये दोनों बनाने बोला है इसमें। ठीक है, आगे क्या बोला, स्केल की सहायता से परिव्यासार्ध एवं अंतर्व्यासार्ध ज्ञात करे एवं उनमें कोई संबंध है या नहीं लिखे। ठीक है, तो जो परिवृत्त का अर्धव्यास है उसी को यहाँ ज्ञात करने बोला है, और अंतर्वृत्त का जो अर्धव्यास है उसे ज्ञात करो, और दोनों में क्या संबंध है उसे लिखने बोला। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों करने बोला है, अंतर्वृत्त को भी बनाने बोला है और परिवृत्त भी बनाने बोला है। ठीक है, जो कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का कॉम्बिनेशन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर भुजा की एक लंबाई मापते हैं और समबाहु समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर माप लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन में बोला है भुजा वाला। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने 7 सेंटीमीटर माप लिया। ठीक है, अब इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग, बी और सी। तो ये मैंने नाम दे दिया बी और सी। ठीक है, दे दिया। अब इस पे क्या बोला है तुम्हारा, संधिबाहु त्रिभुज बनाने वाला, तो 7 सेंटीमीटर इसमें से भी माप लेंगे हम लोग, 7 सेंटीमीटर मापने बोला है। तो जीरो पे रखेंगे हम लोग और 7 सेंटीमीटर इसे भी माप लेंगे हम लोग। देखिए ये मेरे परफेक्ट माप लिया 7 सेंटीमीटर। अब इस भुजा पे भी चेक कर लेते हैं, ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो देखो यहाँ यहाँ टच कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक 7 सेंटीमीटर का कट रहा है, और यहाँ से मिला लेते हैं ताकि कम बेसी ना हो, तब ना तीनों भुजा बराबर होगा। हाँ देखो, ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर इस तरह कट कर देंगे ऊपर की ओर, और यहाँ से इस ऊपर वाला भुजा को काट देंगे, तो ये दोनों 7-7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 7 सेंटीमीटर नीचे मापना है, और फिर 7 सेंटीमीटर कंपास माप कर एक बार सी पे रख के काटना है, एक बार बी पे रख कर काटना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें और बनाने की कोशिश करें। तो बी से मिला देंगे उस कटान बिंदु को अच्छी तरह से, ये मैंने मिला दिया। अब फिर वहाँ से सी को भी मिला देंगे हम लोग, ये मैंने सी को मिला दिया। ठीक है, ये हमारा नाम इसको दे देते ए, और ये हमारा कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, क्योंकि इसके सब भुजा बराबर है, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, और ये भी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका परिवृत्त बनाते हैं। परिवृत्त बनाने के लिए क्या करते हैं पता है ना, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं को बराबर हिस्सा में काट लेते पहले। तो बराबर हिस्सा काटने के लिए क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा लेते हैं हम लोग, और एक बार त्रिभुज के अंदर एक बार त्रिभुज के बाहर घुमा दिए। सेम उसी तरह वही भुजा से बी पे रख कर एक बार इधर काटेंगे और एक बार इधर काट देंगे। ठीक है, कट गया, अब ये दोनों को मिला देते हैं। ये मैंने मिला दिया, ठीक। अब उसी तरह ये एक भुजा काट दिया, दूसरा भुजा भी काटना है, तो दूसरा भुजा को भी वही माप से काटेंगे, क्योंकि ये सब भुजा एक बराबर है, तो टेंशन नहीं है। एक बार इधर कट गया है, एक बार इधर काट दिए, ये देखो ऑलरेडी कटा हुआ, इसलिए इस पर पेन नहीं चलाएं। अब उसी तरह यहाँ ए पे रखेंगे और इसे काटेंगे, तो एक बार देखो यहाँ कट रहा और एक बार यहाँ कट गया। अब ये दोनों को मिला देते हैं, ये देखो मैंने मिला दिया। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम Q, इसका नाम R,
इसका नाम एस, ठीक है। और ये जो कटान बिंदु ये हो गया हमारा ओ, ठीक है। अब क्या करें हम ओ ओ सी को माप लेते हैं जहाँ से कटा, ओ सी को डॉट डॉट करके मिला भी देते हैं क्योंकि ये होगा हमारा परिवृत्त का अर्धव्यास। डॉट 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 डॉट, ठीक है, मिला दिए। अब क्या करेंगे हम लोग ओ सी को माप लेंगे, ओ से सी को माप लेंगे, ठीक है। ये तो सी से ओ को माप लेंगे। अब क्या करेंगे ओ पे रखकर चेक करेंगे तीनों शीर्ष को कट रहा कि नहीं। देखो ये कट रहा है और बी भी कट रहा है, अब ये हमारा सी को भी काट रहा है, ठीक है। एक बार फिर से सुन लीजिए, ये जहाँ कटा उसका नाम ओ दे दिए, अब ओ और सी को माप लेंगे, इससे माप लिए, मापने के बाद ओ पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे ओ पे रखेंगे और चेक करेंगे इसकी तीनों शीर्ष को ये टच कर रखने। ए देखिए टच कर रहा, बी टच कर रहा और सी भी टच कर रहा। जब टच करे तभी आप सर्कल बनाए, वृत्त बनाए, वरना आप चेक करें कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दें, ये मैंने एक राउंड घुमा दिया, ये हमारा क्या बन गया परिवृत्त, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इसके अंदर अंतःवृत्त। तो अंतःवृत्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोई भी एक चाप लेंगे, सबसे पहले कोई भी एक चाप लिए और उस चाप से क्या करेंगे हम लोग एक बार इधर कटा देते हैं और उसी चाप से इसे कटाएंगे इधर और एक बार इधर, ये कटा दिए। उसी तरह इसको भी कटाएंगे हम लोग, एक बार इधर घुमा दिए, उसी चाप से हम लोग कटाएंगे इधर और ये इधर। देखो ये कट गया, ये लाइन भी इसी पर कटा है, तो अच्छी बात है। और इसको मिला देते हैं, ये लाइन ये मिल गया, अब इसे भी मिला देंगे हम लोग। जो डॉट डॉट करके मिलाए थे वो स्ट्रेट लाइन में बदल जाएगा सीधी से लाइन में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जहाँ कटा उसका नाम तो ऑलरेडी ओ दिए हैं, अब क्या करेंगे ओ पे रखेंगे, ओ पे रखेंगे, बी सी से ज़्यादा मापेंगे, बी सी से ज़्यादा माप लेते हैं, ठीक है। और दो बार इसको कटा देते हैं, एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे एक बार यहाँ, एक बार यहाँ रख के इधर कटाएंगे, एक बार देखो यहाँ रख दिए और एक बार इधर कटा दिए और एक बार देखो यहाँ पर रखेंगे और एक बार इधर कटा देंगे। देखो ये इस लाइन पे कट गया और यहाँ से ये डायरेक्ट मिल गया, यही मेरा क्या है डी, तो इसको मिलाने की दरकार नहीं क्योंकि ये स्टेट परा हुआ है, ये है ऑटोमेटिक क्या हुआ, तो चलो अच्छी बात है हमारे लिए। ये डी दे दिए, ये ओ डी क्या है, ये अंतर्वृत्त का अर्धव्यास, तो ओ डी को मापेंगे हम लोग, ओ डी को मापेंगे, ओ पे रखेंगे और चेक करेंगे तीनों भुजा को टच कर रहा कि नहीं, वन भुजा टू भुजा थ्री भुजा, तीनों को टच कर रहा है, लेकिन मैं हल्का सा और माप कम करूँगा क्योंकि एक भुजा को हल्का पार करके चल रहा है ये, ठीक है। अब फिर से चेक करेंगे, ये भुजा टच कर रहा, देखो ये भुजा भी टच कर रहा और ये भुजा भी टच कर रहा, ये हमारा फाइनली बन गया। इसे बस घुमा देंगे आराम से, हाथ ना घूमें, ध्यान से आराम से घुमाएं आप भी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए कितने शानदार बना, बिना मिस्टेक का एकदम परफेक्ट, ये देखो बन गया हमारा अंतःवृत्त भी बन गया ना, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कहीं मिस्टेक नहीं है, समझ गए। अब इसमें हमको संबंध लिखने बोला है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसमें, तो देखो इसका जो संबंध है, इसका अंतःवृत्त और परिवृत्त का जो केंद्र है वो कहाँ है, दोनों का एक ही बिंदु पर स्थित है। देखो अंतःवृत्त का जो केंद्र है, यहाँ से स्टार्ट किया अंतःवृत्त बनाने के लिए, तो इसका केंद्र यहाँ है और परिवृत्त का भी जो केंद्र है इसी जगह पर स्थित है, इसीलिए दोनों का केंद्र एक ही जगह पर स्थित है। तो हम लोग इसका लिख देते हैं संबंध, ठीक है। चाहेंगे तो यहाँ पर पहले हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, कहेंगे सब भुजा इसका बराबर है, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी परिवृत्त का अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास की लंबाई, अर्धव्यास इसका कौन होगा, देखो ओ और सी,
तो इसको मापेंगे OC बराबर, OC को माप लेते हैं, ये मैंने स्केल लिया जीरो पे रखा और सी को माप लिया, ये मेरा परफेक्ट 4 सेंटीमीटर है, तो OC बराबर 4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे और त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त का अर्धव्यास की लंबाई, क्या होगा इसका अर्धव्यास की लंबाई OD, OD बराबर, तो OD बराबर मापते कितना है, तो देखो वो 4 था तो ये कितना हो जाएगा उसका आधा 2 सेंटीमीटर, यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे संबंध, क्या लिखेंगे हम लोग संबंध, तो इसका संबंध पूछा है तो इसका संबंध को हम लोग भी लिख देते हैं, लिखेंगे इस प्रकार खींचे गए त्रिभुज ABC के अंतर्वृत्त तथा क्या है परिवृत्त, दोनों है ना, इसलिए अंतर्वृत्त और परिवृत्त का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, ये हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट था, VBI कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में आता है, क्योंकि इसमें दोनों बनाने बोला इसलिए, तो आप चेक कर लीजिए एक बार ठीक से, और थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, धन्यवाद।